Hey guys, welcome back to my channel. मैं आर्टिस्ट रविरंजन एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैकेनिकल पेंसिल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या है मैकेनिकल पेंसिल, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, इंजीनियरिंग पेंसिल को ही मैकेनिकल पेंसिल कहा जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस, जिस तरह से पेन में एक इंक की पतली सी लीड होती है, उसी तरह से मैकेनिकल पेंसिल में एक ग्रेफाइट की पतली सी लीड होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसी को ही मैकेनिकल पेंसिल बोलते हैं। तो गाइस, मैकेनिकल पेंसिल की लीड की अलग अलग थिकनेस होती है, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 1.15 mm, 1.3 mm, 2.0 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 5.2 mm और 5.6 mm। अलग अलग थिकनेस के साथ अलग अलग ग्रेड्स भी इसमें आती है। यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं, सारे पेंसिल का थिकनेस दिया हुआ है। तो गाइस, अब बात करते हैं, किसी किसी के मैकेनिकल पेंसिल लाइट होती है, किसी किसी की डार्क होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ग्रेड्स की वजह से होता है। अलग अलग थिकनेस के साथ अलग अलग ग्रेड्स की लीड बनी होती है, जैसे कि 0.2 mm में 4H, 3H, 2H, एच, एच बी, बी और 2B ग्रेड्स की लीड बनी होती है। उसी तरह से फिर 0.5 mm से लेकर के 2.0 mm तक 4H से लेकर के 4B तक लीड बनाई जाती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से फिर आगे 3.2 mm का लीड के साथ 6B तक, 4H से लेकर के 6B तक, और 4.0 mm के साथ भी 4H से लेकर के 6B तक, ये दोनों में बनाई जाती है। उसके बाद फिर आगे सबसे आखिरी 5.2 mm और 5.6 mm के लीड, जिसमें कि 4H से लेकर के 8B तक पेंसिल बनाई जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट में 4H और 8B। यहाँ पे मेरे पास दो पेंसिल हैं, एक 0.5 mm की और एक 0.7 mm की। तो इसके बारे में आगे के वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। गाइस, अब बात करते हैं कि क्या इतने सारे पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे पेंसिल का यूज़ हमें करना है। तो आर्टिस्ट लोग बेसिकली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ शेडिंग के लिए भी करते हैं, जिसमें कि 0.5 mm, 0.7 mm का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं। बाकी थिकनेस वाली पेंसिल का यूज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियर्स लोग करते हैं। तो अब बात करते हैं कौन सी थिकनेस की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। यदि आप लोग इसे आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो 0.5 mm की HB ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कीजिए, और यदि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ आप लोग शेडिंग में करना चाहते हैं तो 0.7 mm की 4B ग्रेड की पेंसिल का आप लोग इसमें यूज़ कीजिए। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास 0.5 mm की पेंसिल भी है और 0.7 mm की भी पेंसिल है। यहाँ पे आप लोग को लीड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसको पेपर पे शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस पता चलेगी। तो आई होप गाइस, ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, बाय, टेक केयर।